सो व्हाट्स अप गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं M&M के बारे में, यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, जो कि अपना प्रोडक्शन जो है वो कम कर रहा है। और साथ ही साथ हमारे पास XUV700 को रिलेटेड भी एक न्यूज आई है, जो कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव में इसी दौरान बोली थी, इसी स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हुए बोली थी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर कर दूंगा। बट अभी बात कर लेते हैं कि M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने प्रोडक्शन को कम क्यों कर रहा है, जबकि थार की वेटिंग 1 साल से भी पार हो चुकी है, उसके बावजूद ये अपना प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। तो इसका रीजन एक बहुत ज्यादा बड़ा है। अभी क्या चल रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से सिर्फ महिंद्रा ही हिट नहीं करा है, उसके साथ साथ मारुति सुजुकी भी हिट करा है, जिन्होंने अपने प्लांट में हर सैटरडे को जो है प्रोडक्शन बंद कर दिया है। और साथ ही साथ इनकी 2 शिफ्ट चलती हैं, Shift 1 एंड Shift 2, जिसमें से Shift 2 को कैंसिल कर दिया है, सिर्फ Shift 1 में ही जो है प्रोडक्शन होगा। यानी कि मारुति सुजुकी वाले भी अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है इसी चिप को शॉर्टेज को लेकर, और साथ ही साथ महिंद्रा ने भी कर दिया है। अब आप में से काफी लोग सोचे होंगे कि भाई चिप का क्या नाटक है, मतलब क्या हो रहा है। तो चिप जो है वो बेसिकली हमारे पास मलेशिया से आती है, और मलेशिया जो है वो कोविड से हिट कर रहा था काफी टाइम पहले, जैसे इंडिया कर रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन जो है वो कम हो चुकी है चिप्स की, और डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। इसकी वजह से ये चीज हो रही है कि भाई जो भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जो है बहुत ज्यादा घाटा बुक करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में भी अभी आगे बात कर लेंगे। बट अभी बात कर लेते हैं महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिन्होंने एक न्यूज शेयर करी थी। उन्होंने ये बोला था अपने स्टेटमेंट में कि हम इस चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं, बट हम कोई भी कंक्लूजन पर इसके नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हम इसको देख भी रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमने अपनी इन्वेंट्री को जो है वो कम करने की कोशिश करी, और हम यही सोच रहे हैं कि अपना प्रोडक्शन कम कर दें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई प्रोडक्शन कम करने से क्या होगा, आप अपनी गाड़ियां बनाओ, उनको खड़ा करो लाइन से, और जब हमारे पास चिप्स आ जाएं तो आप उनमें सब में लगा देना। तो भाई इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक प्लांट है जहाँ पर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गाड़ियों की, उसके बाद अगर आप उसको खड़ा भी करोगे, देखो एक दिन की एक गाड़ी तो बनती नहीं है, 10 गाड़ियाँ तो बनती नहीं है, हज़ारों में गाड़ियाँ बनती हैं। तो अगर आप उनको कहीं खड़ा करोगे तो उसके लिए एक अलग आप लोगों को स्पेस चाहिए होगी सब गाड़ी खड़ी करने की, फिर उनका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, और साथ ही साथ गाड़ी फिर ओल्ड भी हो जाएगी। तो जब आप 2022 आएगा तो 2021 की गाड़ी सेल होंगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं कर रहा है महिंद्रा, और कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करना चाहेगी, महिंद्रा ही नहीं। तो अभी का क्या सीन है, अभी प्रोडक्शन कम कर दिया गया है। और साथ ही साथ 700 के रिलेटेड भी एक न्यूज आई है, जहां पर इन्हीं के एग्जीक्यूटिव ने यह भी बोला है कि हम XUV700 की डिलीवरी डेट जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हमारे पास चिप नहीं आ जाती। एक बहुत ज्यादा दुखद सी खबर है हम लोगों के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2021 में XUV700 हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि काफी लोगों को यह सारा मैटर जो है वो सिंपल लग रहा होगा। बट अगर बात करता हूँ मैं महिंद्रा की, तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं ये लोग, और इसको बिल्कुल भी आउट नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली यार इन सब चीज़ों से हमें देखने को पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत में है महिंद्रा। अभी थार की 1 साल की वेटिंग लगी हुई है, फिर स्कॉर्पियो भी लॉन्च करनी है, फिर XUV700 भी लॉन्च करनी है। अब भाई मेरा आप लोगों से सिंपल सा सवाल है, जिन लोगों ने अपनी जेब में पैसे दबा कर रखे हुए हैं, जो टाटा हैरियर, टाटा सफारी, अल्कज़ार को छोड़े बैठे हैं अभी, और सोच रहे हैं कि XUV700 आने वाली है 15 अगस्त को, रिवील कर रहे हैं उसके बाद भी प्राइस नहीं बताएंगे हमें, तो बहुत ज़्यादा मेरे को डाउटफुल लग रहा है यार। क्योंकि महिंद्रा को 15 अगस्त को पैसे तो बता देने चाहिए, अभी फिर डिलीवरी डेट का भी नहीं पता कि कब डिलीवरी स्टार्ट होगी। तो यार एक चीज़ तो साफ है, इनको प्राइस बताना पड़ेगा 15 अगस्त को, अगर नहीं बताएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जिन लोगों ने अपने जेब में पैसे दबा के रखे हुए हैं वो बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे यार अभी प्राइस भी नहीं पता चला है, फिर हमारे पास अल्कज़ार भी है, सफारी भी है, तो भाई हम किसको चूज़ करें, कौन सी उठाएं, तो वो उन्हीं सब से उठा लेंगे। क्योंकि देखो यार जब भी किसी के पास पैसे जेब में रखे होते हैं, उसको गाड़ी लेनी होती है, तो चाहे उसको जरूरत भी ना हो, वो गाड़ी को जो है अगले ही दिन अपने घर में चाहेगा। मेरे साथ भी सेम केस है, काफी लोगों के साथ सेम केस होगा। तो आप लोग यार कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, 2021 में आ भी पाएगी XUV700 या 2022 में हमें देखने को मिलेगी। फिर यार जब 2022 में XUV700 देखने को मिलेगी तो भाई स्कॉर्पियो कब देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा डाउटफुल मैटर चल रहा है यार। महिंद्रा को कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खराब खेल हो रहा है महिंद्रा के लिए। अब इनकी एक रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने 424 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और अगर बात करता हूँ इनके पिछले ईयर के बारे में, जहाँ पर इन्होंने 49 करोड़ रुपए का लॉस झेला था, वो करीब करीब बढ़ के 60% तक हो गया है, यानी कि 19,172 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट कर दिया है। अगर बात करते हैं डिमांड की, तो डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि पिछले ईयर कोविड चल रहा था, उसके
बाद से जो है डिमांड ज़्यादा हो गई थी, लेकिन M&M बहुत ज़्यादा प्रेशर में है ये भी बोला गया। उन्होंने ये बोला है कि कम्युनिटी इन्फ्लेशन एंड सेमी कंडक्टर सप्लाई इशूज़ कंटिन्यू टू बी अ कंसर्न, यानी कि जो सेमी कंडक्टर का इशू चल रहा है और जो लोगों को गाड़ियों की डिमांड आ रही है वो सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली बात हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अभी हाल ही फिलहाल मैंने मुसाफिर भाई का भी एक वीडियो देखा था जहाँ पर वो भी थार लेने की सोच रहे थे, बट उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दी थी थार क्योंकि उनको मिल नहीं रही थी। तो इस चीज़ के बारे में भी यार आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अभी क्या चल रहा है, कैसे क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं पता यार। बट महिंद्रा की हालत जो है अभी टाइट हो रखी है, मीडिया में बाहर आउट नहीं हो रखा है बट अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी है। इसीलिए XUV700 अभी तक नहीं लॉन्च हुई हमारे पास, अभी तक रिवील नहीं हुई, यही रीज़न था इसके पीछे, क्योंकि थार की जो वेटिंग पीरियड लगी पड़ी है। अब बात कर लेते हैं चिप की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते यार, हमें अपने इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और मेरे हिसाब से चिप का प्रोडक्शन भी इंडिया में स्टार्टअप कर देना चाहिए किसी ना किसी कंपनी को, ताकि ये दिक्कत हमें इन फ्यूचर ना हो। देखो अभी तो हो रही है और सबसे ज़्यादा जो कंपनीज़ हिट कर रही हैं वो इंडिया की ही अपनी कंपनीज़ हैं, बाहर की कंपनीज़ इतना हिट नहीं कर रही हैं, जैसे कि हुंडई वगैरह हो गए वो भी कर रही हैं, बट महिंद्रा जैसी कंपनी जो हैं वो सबसे ज़्यादा हिट कर रही हैं इस सेमीकंडक्टर के क्राइसिस में। तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों को लगता है कि अब हमें इंडिया में अपनी चिप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी हमारे पास कार की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, इंडियन जो ब्रांड्स हमारे पास आ चुकी हैं, अब साथ ही साथ चिप की प्रोडक्शन भी हो गई तो आत्मनिर्भर भारत का जो टैग है हमारे पास वो भी पूरा हो जाएगा और साथ ही साथ सब चीज़ें जो हैं वो स्थिर हो जाएंगी। एशिया में जो है सप्लाई मलेशिया करता है तो इसीलिए एशियन साइड जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही है चिप्स को लेके। तो भाई ये सब था पूरी न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और साथ ही साथ मारुति सुजुकी वाले भी हिट करें इस चिप को लेकर और उनकी भी सब प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। तो भाई ये थी पूरी न्यूज़, आपको क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। मेरे हिसाब से इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देनी चाहिए चिप्स को, किसी ना किसी कंपनी को इस चीज़ को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे भी हमें ऐसी दिक्कत आ सकती है भाई। अगर मलेशिया ने चिप्स देने से मना कर दिया तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इशू यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो इस चीज़ से हमें एक सबक लेना चाहिए और अपना जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही स्टार्ट कर देना चाहिए, मैं तो यार यही कहूँगा। और नीचे कमेंट करके एक बात ज़रूर बता देना यार कि XUV700 2021 में देखने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से 2021 में देखने को नहीं मिलेगी यार, अभी जो जो मेरे पास स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ना वो इतने ज़्यादा डीपली लिखे हुए हैं, वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। जो महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव हैं जेजूरिकार, मेरा अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ आई एम रियली सॉरी, उन्होंने ये बोला है कि राइट नाउ द सिचुएशन इज़ वेरी डायनामिक और साथ ही साथ उन्होंने भी बोला है कि मलेशिया इज़ गोइंग थ्रू अ सीरियस वेव ऑफ द पैंडमिक एंड सिंस अ लॉट ऑफ सेमी कंडक्टर्स कम फ्रॉम द एशियन साइड इट इज़ अफेक्टिंग सप्लाइज, वहाँ से जो है सप्लाईज़ को दिक्कत आ रही है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है और उसको और भी जगह सप्लाई करना होता है, तो ये भी सीधी सी बात है हमारे पास। तो भाई ये था ओवरऑल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो भाई जो लोग जेब में नोट दबाए बैठे हैं वो लोग तो सबसे पहले कमेंट कर ही देना कि कहीं का क्या करने वाले हो आप लोग, 15 अगस्त का वेट कर रहे हो या सीधा 2 अक्टूबर का या उससे भी लंबा वेट करने के लिए आप लोग तैयार हो, तो मैं उन कमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वेट करूँगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो गाड़ी लेने वाले हैं, उन तक भी ये न्यूज़ ज़रूर से पहुँचाना, मेरा काम है आप लोगों तक न्यूज़ पहुँचाना जो मैंने कर दिया है। तो चलो यार इस वीडियो को एंड करते हैं, होप करूँगा एंजॉय करा होगा, लाइक और सब्सक्राइब मैं होप करूँगा वो भी कर दिया होगा आप लोगों ने अब तक। तो चलो यार इस वीडियो को एंड करते हैं और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली बार। जय हिंद।